Today's question is, let R1 and R2 be the remainders when the polynomial x cube plus 2x square minus 5ax plus 7 and x cube plus ax square minus 2, 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively. If R1 minus R2 is equal to 20, find the value of A. हमें क्या करना है, A का वैल्यू फाइंड करना है. और गिवन क्या है, गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 7, ये किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको x प्लस 1 से, और इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से. तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 7, वो किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से. यही बोल रहे हैं रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये हो गया कि ये इसके साथ है और ये इसके साथ है. ठीक, तो अब हम दूसरा वाला तो भी राइट कर देते हैं कि एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये किससे डिवाइड करेगा, एक्स माइनस 2 से, एक्स माइनस 2. तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इस केस में रिमाइंडर R1 मिल रहा है, और इस केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इस केस में रिमाइंडर R2 मिल रहा है. आप रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस से इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और वैल्यू पुट अप करते हैं, तो वही रिमाइंडर होता है. मतलब ये और ये गिवन है, तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं. इसको जीरो को इक्वल पुट करते हैं, जो वैल्यू आता है एक्स का, एक्स का वैल्यू माइनस 1 आएगा, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पर, रिमाइंडर निकल जाएगा. अब ये इसके बाद एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक, इसको तो रिमाइंडर R2 मिल रहा है. तो पहला काम R1 एंड R2 का वैल्यू फाइंड करें. सपोज डैट F1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 7 एंड g1 ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर डेट इज R1 ऑफ एक्स इज R1, यही है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा भी केस राइट कर देते हैं. F2 ऑफ एक्स कितना है, F2 ऑफ एक्स इज एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एंड g2 ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 2 एंड R2 ऑफ एक्स इज R2, ये R2, R1 एंड R2 क्या है, रिमाइंडर है, R1 एंड R2. तो R1 एंड R2 रिमाइंडर है, और हम इस दोनों को लेकर रिमाइंडर निकाल सकते हैं, फिर इस दोनों को लेकर रिमाइंडर निकाल सकते हैं. तो इसको लेकर रिमाइंडर निकालते हैं. सबसे पहला काम केस फर्स्ट लेंगे, तो हम इसको ले लेंगे और इसको लेकर रिमाइंडर निकाल देंगे. अब केस सेकेंड लेंगे, तो हम किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, अब इसको लेकर रिमाइंडर निकाल देंगे. तो सबसे पहला काम केस फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट मतलब हम इसे ले रहे हैं. तो जब इसे ले रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो पुट g1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. जब g1 ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, इतना हो जाएगा. जब एक्स प्लस 1 जीरो होगा, तो 1 को इस साइड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1. अब यही माइनस 1 हम यस के स्पेस पे पुट अप करेंगे. आइए पुट अप करते हैं. देयरफॉर एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का होल क्यू और प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 5 ए इंटू माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 होल क्यू माइनस 1 होल क्यू और प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस
टू इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस फाइव ए एक्स मतलब माइनस फाइव ए माइनस वन माइनस फाइव ए माइनस वन प्लस सेवन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा, प्लस वन इंटू टू टू हो जाएगा, माइनस फाइव ए और माइनस वन डैट इज प्लस फाइव ए और प्लस सेवन, सेवन टू नाइन माइनस वन डैट इज एट, एट प्लस फाइव है डैट इज रिमाइंडर। अगर यक्स प्लस वन से क्या है डिवाइड किया जा रहा है तो यफ ऑफ माइनस वन क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो ये हम क्या निकाले हैं, ये रिमाइंडर निकाले हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम व्हेन डिवाइडेड बाय यक्स प्लस वन, यक्स प्लस वन से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर एट प्लस फाइव ही होगा। लेकिन आर वन का वैल्यू क्या दिया, रिमाइंडर कितना दिया है आर वन दिया है, तो यहाँ पर जब रिमाइंडर आर वन दिया है तो आर वन इसके इक्वल होगा, देयरफॉर आर वन इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ गया एट प्लस फाइव ए आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे ठीक। जब इसे लेंगे तो क्या पुट करेंगे, पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जी टू है तो इसलिए हम क्या पुट किया, जी टू पुट करना पड़ेगा। ये कौन सा केस, सेकेंड। जब जी टू ऑफ एक्स जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस टू डैट इज जी टू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई टू इधर करेंगे एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया। अब यही टू हम क्या करेंगे, यस के स्पेस पे पुट करेंगे, ये इसके लिए निकाल रहे थे तो जब इसके लिए निकाल रहे थे तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, इसके स्पेस पे पुट करेंगे एफ टू ऑफ टू, ये क्या निकाले हैं एफ ऑफ एक्स डेट इज एफ वन ऑफ एक्स। अब हमें क्या निकालना है एफ टू ठीक, तो एफ टू ऑफ एक्स, अब यक्स के स्पेस पे क्या है, यक्स के स्पेस पे टू आया है तो इसलिए हम एफ टू ऑफ टू निकालेंगे इज इक्वल टू एफ टू ऑफ टू डैट इज टू होल क्यू प्लस ए इंटू टू स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस सिक्स, टू होल क्यू प्लस ए इंटू टू स्क्वायर, ए इंटू टू स्क्वायर एंड माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व इंटू टू प्लस सिक्स, देखिए सिक्स है ना प्लस सिक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, टू टू जा फोर टू जा एट और टू टू जा फोर डेट इज फोर ए और ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर एंड प्लस सिक्स, एट सिक्स फोर्टीन और फोर्टीन ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टीन डेट इज माइनस टेन डेट इज फोर ए माइनस टेन। देयर फोर अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया एफ टू, एफ टू ऑफ टू कितना आया फोर ए माइनस टेन, यहाँ पर एट प्लस फाइव ही आया था वहाँ पर फोर ए माइनस टेन आ गया। अब आर टू का वैल्यू देखिए, रिमाइंडर हम इस दोनों को सॉल्व किए तो रिमाइंडर कुछ और मिला, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आर टू है यानी कि दोनों को अब इक्वल कर देते हैं, रिमाइंडर आर टू है, रिमाइंडर कितना आया फोर ए माइनस टेन, डेयर फोर आर टू किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू इज इक्वल टू फोर ए माइनस टेन। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, बट गिवन क्या है, गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन दिया है
R1 - R2 = 20, R1 - R2 = 20. What is the value of R1? R1 is 8 + 5 है, that is R1. R1 is 8 + 5 है, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 इज 4 है, -10 इज इक्वल टू 20. हमें कोई भी कंडीशन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे. अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 + 5 है, -4 है, +10 इज इक्वल टू 20. 5 है, -4 है, डेट इज ए, 8 + 10 डेट इज 18 इज इक्वल टू 20. 18 को उस साइड करेंगे, इस साइड से 20 - 18, ए का वैल्यू क्या मिला? 2. ये आंसर हो गया. देखिए एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं समरी में. यहाँ पर क्या है, यह फोन ऑफ एक्स जी वन ऑफ एक्स है और रिमाइंडर R1 दिया है. तो इस दोनों को सॉल्व किए, जो रिमाइंडर मिला उसको हम R1 के इक्वल कर दिए. उसी तरह से ये दोनों गिवन है, रिमाइंडर R2 है. तो इस दोनों को सॉल्व किए, जो रिमाइंडर मिला उसको हम R2 के इक्वल पुटअप कर दिए. अब यहाँ पे ये कंडीशन गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसी को लेंगे और R1 R2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे. जैसे ही R1 और R2 का वैल्यू पुटअप करेंगे तुरंत ए का वैल्यू मिल जाएगा. अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हम ए का वैल्यू इसमें निकाल दिए हैं, ए का वैल्यू 2 आया है, तो हम ए का वैल्यू यहाँ पुटअप करने के बाद, ठीक, पुटअप करने के बाद जिससे डिवाइड कर रहा है उसी से डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट एंड रिमाइंडर कितना आएगा आपको बताना है. क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक, आई मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 ऑफ एक्स, R1, Q2 ऑफ एक्स एंड R2. तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वैल्यू क्या होगा. थैंक यू.